महेश प्रसाद सिंह वो व्यक्तित्व जिसने मुझ जैसे पत्थर को एक दिशा दी, तराशा और एक मूर्त रूप दिया, ऐसे माननीय वीरेश्वर जी हमारे विभाग की राज्य मंत्री रजनी जी, हमारे विभाग के हमसे पूर्व रहे, मिलकर सीधे पूर्व नहीं लेकिन हमारे पूर्वज श्री नरेंद्र सिंह जी गौर, डॉक्टर रतन शारदा जी, इनकी अभी पुस्तक का विमोचन हुआ है, श्री अजय सिंह जी संचालक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, अक्षय प्रताप सिंह जी उपस्थित, बंधुओं, मातृशक्ति, अभी हम सुन रहे थे सबसे माननीय रज्जू भैया के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में, हजारों वर्ष नर के सपनी बेलूरी पर होती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेलूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन मेहती दवा पैदा। ऐसा व्यक्ति जन्म लिया जिनके भी चरित्र का, जब व्यक्तित्व का, कृतित्व का बयान हो रहा था, तो फिर किसी उद्बोधन की आवश्यकता नहीं है इस विषय पर, उनका स्वयं व्यक्तित्व इस विषय की साक्षात प्रतिमूर्ति है। अगर हम उनको ही पढ़ लें, सुन लें, तो जीवन कौशल कैसा होना चाहिए हम सब सीख जाएंगे। ऐसे थे माननीय स्वर्गीय हमारे रज्जू भैया, और इसीलिए हम आज उनका स्मरण कर रहे हैं। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं अपने आप को कुछ बनाने के लिए, अपनी युवा पीढ़ी को पत्थर बनाने के लिए। कुछ लोग इतिहास को पढ़ते हैं, कुछ लोग उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोगों का व्यक्तित्व स्वयं इतिहास बन जाता है। रज्जू भैया उनमें से थे जिनका व्यक्तित्व कृतित्व इतिहास बन गया है, इसीलिए पुस्तक लिखी जा रही है, इसीलिए उनके गुणों का बयान हो रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैंने जो देखा है अपने जीवन में, ऋषि हैं, महर्षि होते हैं, राजऋषि होते हैं, लेकिन राष्ट्र ऋषि यदि है कोई तो संघ के प्रचारक है हम रज्जू भैया के। उसी श्रृंखला में वीरेश्वर जी भी है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं, वह अपने जीवन में साक्षात उतारता है तो हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रचारक उतारता है, और उसकी श्रृंखला में जैसे वीरेश्वर जी हैं हमारे सिरमौर रज्जू भैया भी रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन कौशल के बारे में उद्बोधन क्या करें, उनके जीवन को पढ़ लें, यही जीवन कौशल हो जाएगा हमारा, उसका अनुसरण कर सके, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व थे जो प्रेरणा थे। कुछ आदर्श की बात करना बड़ा आसान है, हर कोई कर सकता है, उन बातों पर चलना उससे कठिन है, और उस पर चलना और अपने साथ साथ ऐसे एक समूह को चला देना सबसे कठिन है, जो रज्जू भैया ने किया इस देश में, अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, आहुति दे दी इस जीवन की,
कहना सब आसान है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो, लेकिन उन्होंने जीवन की आहुति दी है। और ऐसे नजर ने कितनी लंबी फौज तैयार की जिन्होंने जीवन की आहुति दी है, उसे प्रेरणा लेकर यह रज्जू भैया थे। यह उनका जीवन कौशल था जो हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये रज्जू भैया थे। घर के बाहर छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी संदेश देके जाती है महापुरुषों की। मुंबई अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था। शोभा यात्रा निकलती है जिसको गार्ड को दे दिए, जुलूस कह सकते हैं हम भूचाल में। उसके बाद एक जनसभा होती है, उस शोभा यात्रा में शामिल था। अटल जी हमारे नेता थे, अडवाणी जी नेता थे, वो जीप में सवार थे दोनों। और सब लोग चल रहे थे। अब हम जैसा व्यक्ति, अब मेरा फोटो चमके बंबई के अखबारों में, पीछे से छोड़ के आगे अटल जी की जीप के आसपास घूम रहे थे। जब अटल जी की तो फोटो छपेगी छपेगी, हमारी भी छप जाएगी। तभी मैंने देखा किसी ने कान में आके कुछ फुसफुसाया अटल जी के। अटल जी ने इधर उधर देखा, फिर उसने कुछ कहा तो अटल जी ने ऊपर देखा, एक बहुमंजिल इमारत की दूसरी मंजिल पर परम पूज्य रज्जू भैया खड़े थे और अपने स्वयं सेवकों को, अपने पीढ़ी को देख रहे थे जो देश को आगे ले जा रही थी। अटल जी ने उसको वहीं से नतमस्तक हुए, अडवाणी जी नतमस्तक हुए। तो फिर मन में विचार आया हमारे कृतित्व से बनता है, देखिए विचार आचरण। इतनी बड़ी शख्सियत चुपचाप एक फ्लैट पर खड़े होकर अपने आने वाली पीढ़ी को देख रही है, जो निर्माण कर रहे हैं उसको देख के प्रसन्न हो रही है। वो कहीं फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है और हम फोटो खिंचवाने के लिए कूद फांद करके अटल जी के आस पास घूम रहे हैं। यह दिया है उन्होंने, ये थे रज्जू भैया। यह है जीवन कौशल, उसकी उपादेयता। लीडर थे, लेक्चरर हुए, फिर लीडर हुए। जैसा अभी सब ने बताया कि नेकर बैंक के सीधे शाखा से भी पहुंच जाते थे, समय से पहुंचना क्लास में। लीडर बने जब, सॉरी प्रोफेसर थे और उनको लीडर बनाया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लीडर नहीं बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो बोले उन्होंने कहा क्यों नहीं बनेंगे, बोले मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, मैं राष्ट्र की सेवा में काम कर रहा हूं, 3 दिन मैं संघ का काम कर रहा हूं और 4 दिन शिक्षण का संस्था का काम कर रहा हूं, जिम्मेदारी पड़ेगी, मैं संघ का काम नहीं कर सकता, राष्ट्र का काम नहीं कर सकता और फिर मुझे नियमित आना पड़ेगा। तो पद नहीं लिया, राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता दी। यह है जीवन कौशल जो रज्जू भैया ने बताया। तो उनके जीवन का जो भी उदाहरण है वो हमको बताता है कि जीवन कौशल क्या है। ये रज्जू भैया थे। तो हम उनके जीवन अनुसरण, जीवन जीवन के उदाहरणों से, उनके जीवन के चरित्र से कुछ सीख जाएंगे तो जीवन कौशल की उपादेयता हमारे को महसूस हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी क्या होती है। रज्जू भैया ने संघ का काम किया, पूरे जीवन की आहुति दी। कौन नौजवान नहीं चाहता जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, गोल्ड मेडलिस्ट थे, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, गृहस्थ जीवन जीव। लेकिन भारत माता के लिए विवेकानंद के उस उक्ति से उन्होंने प्रेरणा ली जिस पर विवेकानंद जी ने कहा है, उस समय कहा था कि आने वाले 50 सालों तक देश के युवा वर्ग को भूल जाना होगा कि उसका कोई इष्ट देव और इष्ट देवी। यदि कोई इष्ट देव है तो भारत राष्ट्र
के लिए कहा होगा, लेकिन आज भी उनका विवेकानंद जी का विचार से यौवन है, आज भी उतनी प्रेरणा देता है जितनी 50 साल पहले देता हो रहा होगा। और मां नीरजू भैया को प्रेरणा दी थी, उन्होंने सब कुछ छोड़कर, ये सब जीवन के आकर्षण छोड़कर राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। यह जीवन कौशल है, मेरे राष्ट्र सर्वोपरि है। जैसा भी संचालक महोदय ने तीन चार पंक्तियां पढ़ी थी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। उन्होंने पूरा जीवन देश को दे दिया, एक संगठन खड़ा करने में लगा दिया था पूरा जीवन, कि ऐसे लोग तैयार हो। और इतना प्रेरक था उनका, क्योंकि जो कुछ खुद त्याग कर सकता है वो किसी से त्याग के लिए कह सकता है, और जब कह सकता है उसकी बात जब मान सकता है कोई व्यक्ति, जब वो आदर्श का स्वयं प्रतिरूप हो तभी मानी जा सकती है। एक छोटी सी कहानी आप सबने सुनी होगी, एक माँ अपने बेटा उसका बहुत मीठा खाता था, एक साधु महाराज के पास ले गई, इसे बहुत मीठा खाता है। साधु ने कहा कि हफ्ते बर्बाद आना, हफ्ते बर्बाद फिर बुलाई, फिर उसने कहा हफ्ते बर्बाद आना, फिर हफ्ते बर्बाद बुलाई तो बोले 3 दिन बाद आना, फिर लेकर आई पूरा, देख लो बेटा मीठा कभी मत खाना, ज्यादा खाना बुरा होता है। तो माँ ने कहा 3 चक्कर क्यों कटवाया आपने, तो पहले दिन भी बोलते थे। बोले मैं उस समय बहुत मीठा खाता था, कैसे बोलता मेरे में आपने पर नहीं, मैंने पहले छोड़ा है तब कहने लायक हुआ हूं। तो उन्होंने छोड़ा जीवन पूरा तब कहने लायक हुए नानाजी देशमुख। जब अटल जी, अडवाणी जी सब लोग मंत्री बने जनता पार्टी के राज में, नानाजी देशमुख बहुत बड़ा कद था हमारी पार्टी का, उनको भी मंत्री बनाने की बात आई। रज्जू भैया ने बुलाया कि भाई सभी लोग सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे तो संगठन कौन चलाएगा, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए नए नौजवान को कौन तैयार करेगा, नाना जी आप संगठन का काम करिए। नाना जी छोड़ दी सत्ता, ये थे रज्जू भैया। यह जीवन कौशल होना चाहिए कि हम स्वयं कुछ बने, पहले तो हम बने तब अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। ये रज्जू भैया थे। मित्रों ये हमारे आदर्श हैं, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम लोगों को जीवन जीने की विधि सिखाते हैं। अभी हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी गौड़ जब ये शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा के तब में कार्यकर्ता था भाजपा का, इनके घर हो आया हूं मैं एक बार, बहुत पहले, आप नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं कार्यकर्ता था छोटा सा उस समय। हमारी बहन थी लेक्चरार, उस पर मामला था, उस चक्कर में गया था। तो इन्होंने अभी बताया शिक्षा नीति के बारे में, बहुत दिनों से चली आ रही है बात, हम सुनते आ रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले की द्वि शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, ये शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है, राष्ट्रीयता नहीं देती है, संस्कार विहीन है। कहने वाले कहते थे बदलनी चाहिए, और बदलने वाले कहते थे हाँ बदलनी है, लेकिन ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं था। विद्यार्थी परिषद के पास एक ब्लूप्रिंट था, वो प्रस्तुत करती थी कभी कभी सत्ता के सामने। आज नई शिक्षा नीति 2020, क्योंकि रज्जू भैया कहा करते थे शिक्षा अगर संस्कार विहीन है तो शिक्षा बेकार है, और हमारी शिक्षा संस्कार विहीन ही रही। आज शिक्षा नीति 2020 यानी पीटर 2020 के मूल बिंदु में यह है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ा जाए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा को तकनीक से जोड़ा जाए। इन तीन मूल बिंदुओं की परिधि में पूरी नीति बनी है और कार्यक्रम बन रहे हैं। यह जो भैया का सपना था वो हमारे नेतृत्व में
माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। राजनीति में सही लोग आए, इसी उन्होंने नाना जी को प्रेरित किया था, अटल जी को प्रेरित किया, अडवाणी जी को प्रेरित किया, क्योंकि राजनीति को लोग गलत बताते हैं। मित्रों, राजनीति गलत नहीं है। रज्जू भैया कह रहा था कि राजनीति किनको सौंप रहे हैं हम, राजनीति वैसी है, तरल पदार्थ की तरह है। ये है पानी की बोतल, पानी इस बोतल में रखा है, पानी का ने बोतल का आकार ग्रहण कर लिया है, पानी गिलास में रखेंगे गिलास का आकार ग्रहण करेगा, पानी घड़े में रखेंगे घड़े का आकार ग्रहण करेगा, कटोरे में रखेंगे कटोरे का आकार ग्रहण करेगा। राजनीति भी वैसी है, राजनीति किसके हाथों सौंपी जा रही है, राजनीति वही आकार ग्रहण करेगी। राजनीति राम के हाथों थी, भक्ति थी, कृष्ण के हाथों पहुंची, युक्ति बनी। आप सब जानते हैं कृष्ण हर काम युक्ति से किया। राजनीति राम के हाथों थी, भक्ति थी, कृष्ण के हाथों पहुंची, युक्ति बनी, रावण के हाथ पहुंची, शक्ति बनी। मैं यहां राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूं कि रावण के हाथों पहुंची शक्ति बनी, इंदिरा जी के हाथ पहुंची आसक्ति बनी, जब कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, उन्होंने देश को आपातकाल में छोड़ दिया था, आसक्ति बनी। पंडित तीन दिन उपाध्याय जैसों के हाथ पहुंचते तो विरक्ति बनती है, मायावती के हाथों पहुंचते उनके लिए संपत्ति बनती है, मुलायम सिंह जैसों के हाथों पहुंचते समाज के लिए विपत्ति बनती है, जब मेरे नेता मोदी और योगी के पास पहुंचती है तो राष्ट्रभक्ति बनती है, समाज से अभिव्यक्ति बनती है, राजनीति। इसलिए जो भैया कहा करते थे कि राजनीति सही हाथों में पहुंचे, सही लोग पहुंचे, इसलिए नाना जी को संगठन में, अटल जी को सत्ता की ओर भेजा था। तो ये है उनका जीवन दर्शन जो हमें आज हमारे जीवन कौशल को परिष्कृत करेगा। उनका स्मरण कर रहे हैं हम लोग, मात्र स्मरण करने से काम नहीं चलेगा। भारत के विशाल आंगन में महापुरुषों की आत्माएं फिर फिर फेरा लगाती हैं, कौन उनका तर्पण करता है, कौन अंजलि भर उनका तर्पण करता है। लेकिन आज जो अजय सिंह जी कर रहे हैं माननीय रज्जू भैया के लिए, एक तरह से उनके लिए तर्पण है। और हम सबका तर्पण जब होगा, जब उनके स्मरण तब सार्थक होगा कि हम उनका अनुसरण कर सके, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को राम देता हूं।